ईवीएम को लेकर बहुत तरह की बातें आती हैं, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ईवीएम है कि बदलने का नाम ही नहीं लेते हैं। वहीं ईवीएम को लेकर कन्हैया कुमार ने ट्वीट करा और कहा कि ईवीएम की बात करो तो भक्तों को दर्द होता है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके कहा कि ऐसा क्यों है कि ईवीएम पर सवाल उठते ही पीएम के समर्थक बड़बड़ाने लगते हैं, चोट लगे तुझको ईवीएम तो दर्द मुझे बीजेपी को होता है। और उसके ऊपर स्माइली देते हुए कन्हैया कुमार ने ट्वीट करा और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको बातें कही और बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि मालूम हो कि इस देश के अंदर ईवीएम को लेकर जोरदार बहस चल रही है, उस पर अमेरिका में रह रहे हैकर सैयद शुजा ने एक के बाद एक खुलासे करके बीजेपी सरकार को खतरे में डाल दिया है, लेकिन सरकार है कि उस पर ध्यान देने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में हुई विपक्ष की महारैली में पूर्व जम्मू कश्मीर सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को चोर मशीन करार देते हुए चुनाव आयोग से इसे चुनाव में बैन करने की अपील की है। हालांकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने साफ शब्दों में कह दिया कि लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल कतई नहीं होगा, इसके लिए ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, बसपा, सपा, आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत कई सियासी पार्टियां लगातार ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से वोटिंग कराए जाने की बात कर रही हैं। विपक्ष पार्टियों का आरोप है कि ईवीएम को हैक करके इससे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाता है और इसलिए सरकार इस ईवीएम को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।